भाई 6:30 होने वाला निकलते निकलते। ये है बंजारा मार्केट। ये कितने का टेबल? गाइस अभी ना क्लोजिंग टाइम इनका, ठीक है, फिर भी काफी रश है क्योंकि छुट्टी की वजह से काफी लोग आ रखे हैं यहाँ पे। गाइस सीन ऐसा है कि यहाँ ना पूरा पैक है एंड हम निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि हमें कहीं गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिल रही। तो घूमते हमें लगी भूख, तो हम आए हैं वोक एंड रैप में। तो पहले आगे मोमोज, ठीक है, एंड हमने रोल्स भी मंगाए हैं, अभी रोल्स आ रहे हैं। अभी ना गाइस 1 बज गया है, ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है एंड हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि मनोज की गाड़ी हमने टावर के नीचे खड़ी करी है, ठीक है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हटा लो प्लीज़ वहाँ से, ज़्यादा देर वहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। यहाँ पे ना थोड़ा ब्लॉकेज हो जाती है रोड, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा देर तक हम गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, तो गेस्ट पार्किंग में गाड़ी पीछे लगा दे जाके इधर पे। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फिलहाल अभी मनोज की गाड़ी ना थोड़ा उसको पार्किंग में लगाते हैं एंड बाहर भी जा रहे हैं, पापा ने कुछ सामान मंगाया, सामान लेके आते हैं फिर गाड़ी लगाएंगे एंड फिर करेंगे दिन की शुरुआत। दिन की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। मैंने सपोर्ट किया, मैंने ज़्यादा कुछ तो खाया नहीं, प्रोटीन वगैरह पी लिया था बस। तो मैं अंदर व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मनोज बेचारा वहाँ पे खड़ा है क्योंकि ना मनोज के बैठने की जगह नहीं है यहाँ से। अभी बैठा, पहले इसको बैठा लेते हैं। बाहर से खड़ा होते देर से। यस, हार्डवेयर की शॉप से कुछ लेना है, सीमेंट पुट्टी टाइप कुछ लेना, वो लेने आया। फिलहाल सामान ले लिया, ठीक है, पुट्टी वगैरह लेनी थी। अब चलते हैं मनोज की गाड़ी लगाते हैं गेस्ट पार्किंग में, घर चलते हैं। चिड़िया ने गंदा कर दिया है। सो गाइस अभी घर आ गए हैं, ठीक है, एंड ना मेरे को इतनी नींद आ रही ना, वैसे तो मैं अच्छे सोया हूँ बट फिर भी नींद आ रही है थोड़ा, मतलब ना आज सुस्ती सा है। पता कल से ऑफिस दोबारा स्टार्ट है, दोबारा मतलब वही दिनचर्या स्टार्ट है, तो लग रहा है कि आज की छुट्टी आराम से बिताई जाए, ऐसा मन कर रहा है। देखते हैं क्या होता है, कुछ पता नहीं है। सो गाइस फिलहाल टाइम हो गया लंच का, लंच कर लेते पहले। आज मैंने नहाया भी नहीं पता आज, कोई नहीं बाद में नहा लेंगे, क्या फ़र्क की फ़र्क पैदा है छुट्टी का दिन है भैया, ठीक है, नहाएंगे बाद में, पहले लंच कर लेते। लंच एंड लंच लग चुका है, ठीक है। क्या बनाया आज? सब्जी एंड दाल। मैं कौन सी दाल है आज? मिक्स दाल। ये क्या होता है? सो गाइस फिलहाल खाना खा लेते हैं, एंड रायता भी है, सैलेड भी है, अचार भी है और सब्जी भी है। नाइस। आज की मेन डिश जो कि है, दूर रखना। कौन, क्या नाम है इसका? चिकन। सो गाइस मैं, मनोज और कोमल खाएंगे चिकन एंड मम्मी और पापा वेजिटेरियन है, मतलब फिलहाल अभी के लिए वेजिटेरियन है वो लोग। खाना लग चुका है अपना, राइस एंड चिकन, हाथ से खा रहा हूँ मैं आज। वैसे मैं हाथ से खाना प्रेफर करता हूँ यार, घर पे हाथ से खाना अच्छा लगता है मेरे को, पहाड़ी लोग हैं ना, हाथ से खाना पसंद करते हैं। एक मिनट चुप रहो, व्लॉग हो रहा है। सो गाइस मेहंदी लग रही है और ये हाथ पता किसका है? मैंने नहीं, जबरदस्ती लगाई जा रही है भाई यार। ठीक है, नाम भी लिखने वाली हो क्या? मेरी मेहंदी भी दिखा दो ना। हाँ, तुम्हारी मेहंदी भी अच्छी लग रही है एंड मनोज मेहंदी लगवा रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि भैया जल्दी शादी करवाओ। तो गाइस खाना हम लोगों ने खा लिया और मीठे में मम्मी ने बनाया कस्टर्ड, अब हम खाएंगे कस्टर्ड। ब्लॉगर लोग आ गए, मैं सो रखा था, इन लोगों ने उठा लिया। हां, मैं कब तक जल्दी 5 मिनट में सो गया। तो सो मतलब मैं सोच रहा हूं थोड़ी देर ऐसे सुस्ता रहते हूं, खाना खाते खाते ही लेटते किसी को वही पेट आ जाता है। ये कम से कम 1 घंटा पेट कुप्पू निकला हुआ है। और अरे हम लोग 4 बजे बाहर जाने वाले हैं ना सब। सो गाइस अभी ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं एंड मैं ना सो गया था थोड़ा, ये सर दर्द टाइप का हो रहा था क्योंकि जब ना वीकेंड में मेरा जब स्लीप साइकिल चेंज होता है ना थोड़ी दिक्कत सी होती है। चले कोई नहीं, फिलहाल अभी रेडी हो गए, ठीक है, बाहर जा रहे हैं हम। हमारा प्लान है एक जगह जाने का बट देखते हैं कहीं अगर जब पहुंचते अंधेरा हो गया तो वहाँ जाना हमारा वेस्ट हो जाएगा। सो देखते हैं, निकलते हैं फिर बताते हैं, हम गाड़ी में जाके बताते हैं कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। भाई 6:30 होने वाला निकलते। और देखो यहाँ से 11 किलोमीटर है मोस्टली, आधे घंटे का डिस्टेंस है जहाँ जाना था, वहाँ पहुँचने में अंधेरा हो जाएगा। तो गाइस गाड़ी लगाई हमने यहाँ मनोज की, ये देखो ये वाली है। गाइस देखो कितना अंधेरा हो गया हम हमारे बाहर निकलते ही, तो इसलिए हम जहाँ जा रहे थे वहाँ का प्लान तो हमने कैंसिल कर दिया है क्योंकि अंधेरे में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, कोई शॉट्स आएंगे और कुछ दिखा भी नहीं पाएंगे हम, ठीक है। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं हम बंजारा मार्केट जो कि वर्ल्ड स्ट्रीट के पास में है, ठीक है, क्योंकि कोमल को बहुत टाइम से बंजारा मार्केट देखना था तो इसलिए हमने कहा चलो भाई हुआ आते बंजारा मार्केट। एंड गाइस बंजारा मार्केट में क्या मिलता है, क्या मिलता है बंजारा मार्केट में? होम डेकोरेटिव आइटम्स, वो भी मेरे ख्याल से हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह ना, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, दिखाएंगे आपको, देखते हैं खुला वो भी है या नहीं, ये भी नहीं पता अभी तो अंधेरे में,
मुश्किल लग रहा है आज, वैसे भी 2 अक्टूबर है आज। तो गाइस फिलहाल सामने बंजारा मार्केट, ठीक है गाड़ी यहीं पे लगा देते हैं, पार्क कर देते हैं गाड़ी। ये है बंजारा मार्केट, होम डेकोर का काफी सही सामान है यहाँ पे। ये कितने का टेबल? ये वाला 2500 रुपए का है। ये ले यार, ये मेरे से प्यारे लोगों मेरे ऐसा मिल चाहिए। गाइस अभी ना क्लोजिंग टाइम है इनका, ठीक है, फिर भी काफ़ी रश है क्योंकि छुट्टी की वजह से काफ़ी लोग आ रखे हैं यहाँ पे, एंड मोस्टली डेकोरेटिव आइटम ज़्यादा मिल रहे हैं यहाँ पे। निकल रहे हैं यहाँ से भी, एज सच हमें कुछ पसंद नहीं आया तो हमने लिया नहीं। हमने डिसाइड किया कि हम दिन में आएंगे इस दिन, ताकि हम प्रॉपर देख पाएं, क्योंकि रात को ना क्वालिटी वगैरह भी ठीक से पता नहीं चल रहा था। मतलब लैंप्स वगैरह तो अच्छे लग रहे थे एंड कारपेट्स वगैरह भी थे काफ़ी, ठीक है, होम डेकोर का काफ़ी सामान था, ठीक है। थोड़ी देर में बात करते हैं इसके बारे में, फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, बंजारा मार्केट से निकल गए। अभी हम जा रहे हैं वर्ल्ड स्ट्रीट, क्योंकि ना हमने सोचा भाई घर से बाहर आए तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, थोड़ी बहुत पेट पूजा फिर काम दूजा। गाइस देखो भीड़ बहुत, आज अच्छा खासा क्राउड है, आज पैक है पूरा, यानी गाड़ी जाने की जगह मिलती नहीं मिलती आज, पार्किंग नहीं मिल रही आज कहीं भी, बिल्कुल पार्किंग नहीं मिल रही, और फंस गए हमने अंदर और डाल दी हमने गाड़ी, फंस गई गाड़ी यहाँ पे। भाई सीन ऐसा है कि यहाँ ना पूरा पैक है एंड हम निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमें कहीं गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही गाड़ी लगाने की जगह, सो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, कोई पॉइंट नहीं यहाँ पे पार्किंग ढूंढने का। बस ये है पूरी हाइट्स, एंड यहाँ पे ना ऊपर 2 लाउंजेस हैं, 2 क्या 3 लाउंजेस, एक और खुल गया अभी तो, स्काई पेटियो, एक है ऑन एयर और एक और है लाउंज, उसका तीसरे का नाम नहीं पता। तो घूमते हमें लगी भूख, तो हम आए हैं वॉक एंड रैप में, एंड हमने ना कुछ रैप वगैरह ऑर्डर किया एंड मोमोज ऑर्डर किया, आ चुका है फिलहाल अपना ऑर्डर, रेडी हो गया है, अभी लगाएंगे भैया। पहले आ गए मोमोज, ठीक है, एंड हमने रोल्स भी मंगाए हैं, अभी रोल्स आ रहे हैं 5 मिनट में। चलो करो शुरुआत, बहुत गर्म है यार अभी, बहुत गर्म है। सो गाइस मोमोज आर रियली गुड, कैसे लगे? ये वर्जिन मोहितो ही मंगाया हमने, एक रोल आया चिली चिकन रोल, ठीक है उसको टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा है। चिकन टिक्का रोल भी आ गया मनोज का, मेरा नहीं आया बस, अच्छा मेरा ही है, तुम्हारा कैसा हो रहा है? सो गाइस फिलहाल निकल रहे हैं यहाँ से, अंदर ना लाइट चली गई थी तो और शूट नहीं कर पाए। चिली चिकन रोल तो बहुत ही मस्त था, एंड जो हमने मंगाया था मैंने और मनोज ने चिकन टिक्का रोल, वो भी ठीक ठीक था, ऐसा नहीं था, अच्छा था रोल, बट चिली चिकन रोल बहुत ही औसम था, बहुत ही औसम लगड़ा, मज़ा आ गया। सो गाइस निकल रहे हैं अभी घर के लिए, 9 बज गए, ठीक है घर जाते हैं, थोड़ा वीडियो वगैरह एडिट करेंगे तो फिर मस्त हो जाएंगे। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं घर के पास, एंड इन दोनों को देखो बच्चों की तरह खेल रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं भागते हुए। नियो मम्मा ब्रिंग्स, नहीं नियो मम्मा, चलो चलो, ओए यार क्या बेटा, नहीं हम दूसरे डॉगी के पास नहीं गए थे, चलो गाइस। फिलहाल रात के बज गए 12 एंड अभी सोने लग रहे हैं, अब वीडियो एडिट करने में इतना बिजी हो गया ना, ठीक है सो करते गाइस वीडियो में पे खत्म, आपसे मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड देखते रहिए पीयूष के व्लॉग्स। राजा की आएगी बारात, होने वाले दूल्हे राजा।